नमस्कार। हमारे सभी वीएलईज का और उन सभी दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं। इस सेशन का जो उद्देश्य है कि पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना को एक बार फिर से जाने, योजना किस बारे में है, किन कैंडिडेट्स का, लाभार्थियों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रक्रिया क्या है और हर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या मुनाफा मिलता है, इस पूरी डिटेल में हम इस सेशन में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पीएमजी दिशा योजना 2017 में हमने सीएससी के माध्यम से देश भर में चलाई। सीएससी के वीएलईज जो यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त कॉमन सर्विस सेंटर देश के कोने कोने में चला रहे हैं, वो पीएमजी दिशा में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सिर्फ उन उन एरियाज में है जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, ग्राम पंचायत के अधीन है। शहरी वीएलईज इसमें अपने स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया को अगर हम ठीक से जाने, डिटेल में जाने, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हर प्रत्येक घर से केवल एक लाभार्थी इस योजना में रजिस्टर किया जा सकता है। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्वप्न है कि देश के 40%, 40% यानी 6 करोड़ लोग डिजिटल लिटरेट हो और इस योजना के तहत मोबाइल फोन चलाना, कंप्यूटर से संदेश भेजना या प्राप्त करना और साथ ही कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अपने मोबाइल के या डिजिटल डिवाइसों के तहत कर सके। इस योजना का उद्देश्य यही है कि देश के नागरिकों को जो डिजिटल डिवाइड हमारे भारत और इंडिया में देखा जा रहा है, उसे कम से कम करें और देश के नागरिक ज्यादा से ज्यादा डिजिटली रूप से एक दूसरे से जुड़े। आइए इस प्रक्रिया को अब डिटेल में जाने, इनसे समझें कि किस तरह के लोग इससे जुड़ सकते हैं और कौन इस योजना में काम कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन की। ट्रेनिंग सेंटर एक वो केंद्र है जहां से पीएमजी दिशा की ट्रेनिंग लाभार्थियों को दी जाएगी। इस योजना में सिर्फ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी जो वीएलई इस वक्त सीएससी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास सीएससी आईडी है, वो ही इस योजना के तहत काम कर सकते हैं। आपका जो शर्तें हम यहाँ पे लगाते हैं वो ये होनी चाहिए कि आप एक रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत वीएलई हो, आपके पास एक एक्टिव सीएससी आईडी होनी चाहिए, आपका केंद्र मिनिमम 200 स्क्वायर फुट एरिया आपके सेंटर में होना चाहिए, न्यूनतम 2 कंप्यूटर की सीमा यहाँ रखी गई है, साथ ही आपके केंद्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप सबके पास ये सुविधाएं हैं और आप वीएलई हैं और ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो आप पीएमजी दिशा के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आप अपने आप को एज अ वीएलई हमारे पोर्टल पे पीएमजी दिशा पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप सभी डिजी सेवा पोर्टल पे काम कर रहे हैं, वहां पे एक पीएमजी दिशा की एक टैब वहां पे है जहां से क्लिक करके आप अपने आप को पीएमजी दिशा पोर्टल में भी रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप पीएमजी दिशा टैब पे क्लिक करेंगे, आपको एक नए पोर्टल पे ले जाया जाएगा जहां पे कुछ जानकारी आपकी पहले से ही दर्ज रहेगी और कुछ जानकारी और दस्तावेज आपको नए अपलोड करने होंगे। इन दस्तावेजों में हम आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जिसमें एक ग्राम पंचायत दस्तावेज होता है जहां पे आप उन किन बच्चों को पढ़ाएंगे उनकी एक सूची बना के गाँव के मुखिया या प्रधान से हस्ताक्षर करवाते हैं और उसे पोर्टल पे अपलोड किया करते हैं। इसके साथ ही एक एफिडेविट की हमारी डिमांड होती है। इस एफिडेविट में ये लिखा जाता है कि आप एक वेली के रूप में कार्यरत हैं और पीएमजी दिशा पे भली भांति उनकी शर्तें जान चुके हैं और इस पे सही तरीके से काम करेंगे। यह आपका हस्ताक्षर किया हुआ डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। इसके साथ ही हम तीसरा डॉक्यूमेंट आपसे आपका एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, जिसमें आप आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम, फोटो और एड्रेस यानी पता साफ साफ अक्षर में लिखा गया हो। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन करने के इन शर्तों को पूरा करने के बाद आपका सेंटर का वेरिफिकेशन किया जाता है। आपके सेंटर के वेरिफिकेशन के लिए हमारी राज्य की डिस्ट्रिक्ट टीम आपके सेंटर पे फिजिकली, आपके भौतिक रूप से आपके यहाँ पहुंचती है और जांच करती है कि आपका सेंटर दिए गए स्थान पर मौजूद है या नहीं। आपके सेंटर के कंप्यूटर्स की जांच की जाती है कि उनमें कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की गई है कि नहीं, आपका सेंटर रूरल ग्रामीण क्षेत्र में आता है कि नहीं, और जो सभी शर्तें पीएमजी दिशा में दी गई है उन सभी में आपका सेंटर खरा उतरता है कि नहीं। अगर आप इन सभी पैरामीटर्स पे ठीक पाए जाते हैं तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम
आपके सेंटर को अप्रूव कर देती है, प्रीएमजी दिशा में काम करने के लिए आपको अनुमति मिल जाती है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन के बाद बात कही जाती है, आप किस तरीके से स्टूडेंट्स यानी लाभार्थियों का चयन करेंगे और उनको किस प्रकार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। लाभार्थियों का चयन में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही रजिस्टर हो पाए। ये पीएमजी दिशा की मुख्य गाइडलाइन है, मुख्य शर्त यही कहती है कि आपको हर परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनमें से किसी एक परिवार का चयन कर, परिवार में से किसी एक व्यक्ति का चयन करना है और पीएमजी दिशा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी बात आती है कि आपका चयन में और क्या देखना चाहिए, क्या शर्तें और रखी गई है। आपका लाभार्थी डिजिटल निरीक्षर होना चाहिए, उसे कंप्यूटर चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, ईमेल भेजना आदि जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 14 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही इस योजना के लिए लाभार्थी हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। इससे कम उम्र के या ज्यादा वर्ष के व्यक्तियों को पीएमजी दिशा में रजिस्ट्रेशन करना मना है। आप इन सभी शर्तों को मान करके उन कैंडिडेट्स का चयन करेंगे, उनकी सूची बनाएंगे जिनको आप पीएमजी दिशा में पढ़ाना चाहते हैं और जो बताई गई शर्तों को पूरा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे किया कैसे जाए। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के हमारे दो माध्यम हैं इस वक्त। पहला है कंप्यूटर के तहत रजिस्ट्रेशन करना। अगर कोई व्यक्ति आपके सेंटर पे आता है और आप उन्हें पीएमजी दिशा में रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप उनसे बायोमेट्रिक अंगूठा या आयरिस आंख दिखा के उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आधार पोर्टल पे उनकी कुछ जानकारी दी जाती है जो हमारे पोर्टल पे स्वतः अपने आप आ जाती है। इसके बाद कुछ जानकारी आपसे कैंडिडेट की, रजिस्टर लाभार्थी की और मांगी जाएगी, उसे आपको सही अक्षरों में दर्ज करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई अक्षर की गलती, कोई मात्रा की गलती इस वक्त ना हो, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है कि जिस नाम और पते पे आप इस वक्त कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करोगे उसका सर्टिफिकेट भी उसी दी गई जानकारी पे ही बनेगा। किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश होने पे आपके कैंडिडेट को परीक्षा देने से रोका भी जा सकता है। इन सभी जांच करने के बाद, सारी जानकारी की जांच करने के बाद, आपके कैंडिडेट का बायो ऑथ के तहत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब बात करते हैं उस स्थिति में जब आप कैंडिडेट आपके सेंटर पे नहीं आ सकता, आपको घूम घूम कर, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको कैंडिडेट के निवास में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसी स्थिति में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमारे www.pmjdisha.in पर एक एप्लीकेशन दी गई है जिसे आप अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल के तहत बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक खास बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप मोबाइल के तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप बायो ऑथ नहीं कर सकते, इसीलिए आप ओटीपी के जरिए हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर प्रत्येक मोबाइल नंबर विभिन्न हो, क्योंकि हर एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उससे ऑथेंटिकेट होगा कि जिस बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो खुद आपके सामने मौजूद है या नहीं। मोबाइल फोन या कंप्यूटर के बाद रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि किस तरह की डिटेल्स कैंडिडेट की मांगी जाती है। आधार कार्ड पर जो नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि लिखी होती है, उसी को आपको अपने पोर्टल पे जहाँ जानकारी मांगी गई है वहां डालना है। ध्यान रखें कि आप माता पिता का नाम बिल्कुल साफ अक्षरों में बिना किसी गलती के दर्ज कराएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद अब कैंडिडेट की ट्रेनिंग की बारी आती है। आप कैंडिडेट को क्या पढ़ा रहे हैं, लाभार्थी क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ेगा, किस तरीके से, किन किन विषयों पर उससे बात की जाएगी, इस पे अब चर्चा करते हैं। 20 घंटों की एक पीएमजी दिशा का हमने मॉड्यूल तैयार किया गया है। ये माना जा रहा है कि 10 दिन से, कम से कम 10 दिन से और अधिकतम 30 दिन के भीतर आपको लाभार्थी की ट्रेनिंग खत्म करनी है। कैंडिडेट के पास, लाभार्थी के पास 20 घंटे हैं। वो आपके सेंटर पर आकर एक कंप्यूटर के द्वारा, आप उसे ग्रुप में चाहे समूह में स्टडी करवा सकते हैं या उसे इंडिविजुअली कंप्यूटर में बिठा के हमने जो मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं उन्हें दिखा सकते हैं। ये मॉड्यूल्स 22 भारतीय भाषाओं में तैयार हैं। कैंडिडेट, आपका लाभार्थी जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल, सहज महसूस करता है, उस भाषा में वो मॉड्यूल देख सकता है और कंप्यूटर के बारे में जानकारी सीख सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको
किन किन मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा उनकी एक झलक आपको बताना चाहेंगे। पहले मॉड्यूल्स के बारे में, पहला जो मॉड्यूल है वो बात करता है डिजिटल डिवाइसेस में, कौन कौन से डिजिटल डिवाइस है, वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उसकी जानकारी लाभार्थी को दी जाएगी। उसके बाद इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनेट से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन संपर्क कैसे साधा जा सकता है, इस बारे में बात की जाती है। साथ ही इंटरनेट के काम क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स यानी आप किस तरीके से कैशलेस ट्रांजेक्शन एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में पैसे भेज सकते हैं, ये सभी जानकारी जो आज के समय में बहुत बहुत अनिवार्य है, वो सभी पांच विभिन्न पांच मॉड्यूल्स में लाभार्थी को सिखाई समझाई जाती है। वैसे मॉड्यूल्स हमारे पीएमजे दिशा पोर्टल में भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी 22 भाषाओं में इन मॉड्यूल्स को हमने डाला गया है, आप वहां से भी कैंडिडेट्स को लाभार्थियों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात की जाती है कि अगर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसकी प्रशिक्षण हो गया है, उसकी ट्रेनिंग हो गई है, अब बात की जाती है उसकी परीक्षा की। परीक्षा से पहले हम आपको बता दें कि हर केंद्र में जिस तरीके से एक वीएलई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी तरीके से परीक्षा के दौरान हम एक इन्विजिलेटर की डिमांड करते हैं। इन्विजिलेटर वो व्यक्ति है जो परीक्षा के दौरान उस समय उस दिन सेंटर पे मौजूद रहेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी मौजूदगी में एग्जाम हो रहा है बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी गलत काम के, वो वहां पे इन्विजिलेटर फिजिकली मौजूद है सेंटर पे और वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि परीक्षा ठीक से हो रही है। इसके लिए आपको एक इन्विजिलेटर का रजिस्ट्रेशन भी अपने पोर्टल पे करना होगा। इन्विजिलेटर वो कोई भी पढ़ा लिखा डिजिटल साक्षर व्यक्ति हो सकता है जो सरकारी नौकरी पर हो, पोस्ट ऑफिस में काम करता हो, आपके ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का हिस्सा हो या सरकारी नौकरी पे लगा हुआ हो, आप इनमें से किसी भी व्यक्ति या महिला को इन्विजिलेटर बना सकते हैं। इन्विजिलेटर बनने के बाद उनका आधार लिया जाता है। एक इन्विजिलेटर एक समय पे केवल एक सेंटर से एक केंद्र से जुड़ा हो सकता है। एक इन्विजिलेटर का आधार दो सेंटर पे नहीं दिया जा सकता। जब वो एक सेंटर से उसकी डिटेल्स की इसकी जानकारी को हटाया नहीं जा सकता, तब तक वो किसी दूसरे केंद्र में इन्विजिलेटर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आपके साथ परीक्षा के दौरान अवेलेबल भी रहे, उपलब्ध भी रहे, साथ ही वो किसी दूसरे पीएमजे दिशा केंद्र से जुड़ाना हो। इन सभी बातों को आपको खास ध्यान रखना है ताकि आपकी पीएमजे दिशा की परीक्षा आसान और कम से कम समय में पूरी हो सके। अब बात करते हैं कैंडिडेट के वेरिफिकेशन की। हम ये जांच करना चाहते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को, जिन लाभार्थियों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या वो सच में डिजिटल ट्रांजेक्शंस के बारे में सीख रहे हैं, इंटरनेट की उपलब्धता और उसके कार्यों के बारे में जान रहे हैं या नहीं। एक छोटा सा टेस्ट हमने यहाँ पे आपके लिए यानी सेंटर ऑपरेटर्स के लिए भी लगाया हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल, हम ये जांच करना चाहते हैं कि जो मेल आईडी आपने हमें दी गई है वो कैंडिडेट इस्तेमाल करता है कि नहीं। इसके लिए गो अहेड @pmjdishamail.in पर लाभार्थी की मेल आईडी से एक मेल हमें भेजनी होती है। ये मेल हमारे पास मिल जाए इसके बाद ही आपका लाभार्थी परीक्षा के लिए मान्य माना जाता है। दूसरा प्रोसेस हमारे हमारा हम यहाँ पे आपके लिए रखते हैं वर्चुअल पेमेंट का। एक नकली एक डमी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हमने बनाया है जिसमें कैंडिडेट लाभार्थी 3 बार एक एक रुपए की ट्रांजेक्शन करता है वर्चुअल रूप से। हम उन्हें जानना चाहते हैं क्या उसे यूपीआई और कैशलेस ट्रांजेक्शन जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता है, क्या वो सहजता से बिना किसी की मदद के कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकता है या नहीं। इन दोनों प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही एक कैंडिडेट को परीक्षा के लिए मान्य माना जाता है। अगर आपका लाभार्थी इन दोनों परीक्षाओं में, इन दोनों स्टेप्स में फेल हो जाता है तो परीक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट वेरिफिकेशन के बाद बात करते हैं कैंडिडेट एग्जाम की, कि किस तरीके से परीक्षा होती है, क्या क्या ध्यान आपको एक पीएमजे दिशा परीक्षा में ध्यान में लगाना है और ये ध्यान रखना है कि आपका कैंडिडेट आपका लाभार्थी आराम से परीक्षा दे सके। परीक्षा के दिन, जिस दिन आपने परीक्षा रखी गई है, उस दिन ध्यान रखें कि आपके सेंटर पे निरंतर बिजली और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। वैसे तो ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी सुनिश्चित करना है कि बार बार जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बिजली जा रही है, आप उस दिन पीएमजे दिशा का एग्जाम ना रखें।
इंटरनेट भी सुचारू रूप से उपलब्ध हो उसी दिन आप पीएमजे दिशा का एग्जाम रख सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को आप पोर्टल पे जाके सबसे पहले बायो ऑथ करते हैं। इसका मतलब है कि कैंडिडेट अपने आप को ऑथराइज्ड कर रहा है कि जिसकी जानकारी आधार में या पोर्टल पे दी गई है वही इस वक्त एग्जाम देने आया है। इसके बाद आपके सेंटर का इन्विजिलेटर अपने आप को बायो ऑथ करके यह सबूत साबित करता है कि परीक्षा के हॉल में वो भी मौजूद है और वो सुनिश्चित करेगा कि एग्जाम बिना किसी चीटिंग के या गलत काम के ठीक से हो सके। इन दोनों बायो ऑथ के सक्सेसफुल होने के बाद कैंडिडेट की आईडी यानी पहचान पत्र मांगा जाता है एग्जाम एजेंसी से। एक फोटो आपको अपने वेब कैमरा में कैंडिडेट की फोटो खिंचवानी होती है और साथ ही जो आधार या पहचान पत्र जिसमें कैंडिडेट की फोटो लगी हो वो कैंडिडेट आप कैमरा में देख के फोटो क्लिक करवाते हैं। अगर कैंडिडेट की तस्वीर इस वक्त मौजूद लाभार्थी के साथ मैच हो जाती है, नाम और डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम जो जिस वक्त जानकारी रजिस्ट्रेशन के वक्त दी गई है, अगर वही जानकारी इस वक्त परीक्षा के दौरान जमा कराए गए और आईडी प्रूफ मौजूद होती है तो कैंडिडेट को परीक्षा के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे बात आपको खास ध्यान रखनी है कि अगर कैंडिडेट की फोटोग्राफ उसकी फोटोग्राफ पहचान पत्र से नहीं मिलती तो कैंडिडेट को ये रोक दिया जाएगा और आपको यहाँ पे 3 अवसर मिलेंगे अपनी सही जानकारी के साथ मौजूद दोबारा परीक्षा में आने के लिए। अगर इन 3 अवसरों में आप गलत जानकारी फिर से देते हैं तब आपकी परीक्षा को समाप्त किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है और आपको आप भविष्य में फिर कभी पीएमजे दिशा में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वही जानकारी वही पहचान पत्र दिखाएं जिसमें आपकी तस्वीर हाल की हो और नाम और आपके माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही दर्ज हो जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया गया था। ऑथराइजर आपकी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको एग्जाम के लिए आगे बिठाता है। परीक्षा में 25 सवाल आते हैं। इन 25 सवालों में से अगर आप 8 का ठीक जवाब देते हैं तो परीक्षा में आप पास माने जाते हैं। 25 सवाल आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना होता है और अंत में या परीक्षा के दौरान आपको एक पैराग्राफ दिया है जिसे आपको सिस्टम पे टाइप करके दिखाना है कि आपको टाइपिंग आती है, आप कीबोर्ड के अक्षरों से उनको पहचानते हैं और उन्हें टाइप करना जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने पर और टाइप करने पर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि परीक्षा पूरे सवालों के जवाब देने से पहले अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी परीक्षा वही खत्म हो जाएगी, वही अमान्य हो जाएगी। तो आप जब सभी 25 सवालों का जवाब दे सके और टाइपिंग करने के बाद ही सबमिट बटन पे क्लिक करें। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको तुरंत एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जो कैंडिडेट के डैशबोर्ड पे हम देते हैं, जहां से आप एक प्रोविजनल डैश अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट परीक्षा के मिनिमम कम से कम 40 से 45 दिनों के भीतर आपके डैशबोर्ड में पहुंचा दिया जाता है। इसके साथ ही ये सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर पे भी उपलब्ध है। तो जिन कैंडिडेट्स को अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला, जो अभी अपना पीएमजे दिशा का प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, वो अपने डिजी लॉकर में चेक करें, आपका सर्टिफिकेट वहां पे पहुंचा दिया गया है। ये तो बात थी हमारे पीएमजे दिशा प्रोग्राम जो योजना है वो कैसे काम करती है। पीएमजे दिशा में एक वीएलई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सेंटर ऑपरेटर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, किन बच्चों का चयन करना है और परीक्षा के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी ताकि आप अपने सब सफल रूप से अपने बच्चों को परीक्षा में दिला सके और जितने बच्चों की ट्रेनिंग दी गई है उन सभी को आप परीक्षा में पास करा सके। यहाँ पे आपको बता दें कि हर माह के समाप्ति पे सर्टिफाइड बच्चों का 300 रुपया हर वीएलई सेंटर ऑपरेटर को दिया जाता है, यानी प्रत्येक सफल सर्टिफाइड कैंडिडेट पे सफल लाभार्थी पे वीएलई को 300 रुपए की राशि प्रदान की जाती है जो सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाती है। अब बात करते हैं जिस मेन उद्देश्य से हमने सेंटर जो सेशन रखा है कि परीक्षा के दौरान क्या करें और किन बातों का खास ध्यान रखें कि जो आपके सेंटर पे ना हो जिससे आपका कैंडिडेट ब्लॉक होने से बच सके और आप भी सही और सफल परीक्षा करा सके। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि आपको सही वेबसाइट यानी www.pmgdisha.in को ही विजिट करना है। इसके अलावा पीएमजे दिशा की कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, www.pmgdisha.in ही एकमात्र
हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको वीएलई का डैशबोर्ड, कैंडिडेट का डैशबोर्ड मिलता है। जो कैंडिडेट सेंटर का इन्विजिलेटर है वो एग्जाम आपके द्वारा चयन किया हुआ व्यक्ति है। तो इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति ऐसा हो जो परीक्षा के दौरान उपलब्ध रहे। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ परीक्षा हो और वो आपको ना मिल पाए, क्योंकि बिना उनके बायोत के, बिना उनकी मौजूदगी के आप एग्जाम नहीं करवा सकते। और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि अगर आपका इन्विजिलेटर कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा गया है तो इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर ही जिम्मेदार होगा। आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि आपके द्वारा चयनित इन्विजिलेटर ने गलत काम किया है। एक और चीज का यहाँ पे बात ध्यान रखने लायक है कि एग्जाम समय कि कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे कैंडिडेट परीक्षा के समय दिखा के एग्जाम परीक्षा दे सकता है। उसमें जो लिस्ट हमने सूची बनाई है दस्तावेजों की, उनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक जिसमें कैंडिडेट की तस्वीर लगी हो। आपको ध्यान रखना है कि यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको दिखा के आप पीएमजी दिशा परीक्षा में अपने आप को उसमें दर्ज हो सकते हो, पीएमजी दिशा एग्जाम करवा सकते हो अपना। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ बच्चों के जब आधार कार्ड बनाए गए थे तब उनकी शक्ल और सूरत काफी विभिन्न थी अभी की शक्ल सूरत से। आपको ये ध्यान रखें कि वो तस्वीर उनके या तो अपडेट करवा दी जाए या उनका आधार ठीक से अपडेट हो, उनकी जानकारी अपडेटेड हो, तभी उनका पीएमजी दिशा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाए और तभी उनका एग्जाम करवाए। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम ऑथराइजर्स और प्रॉक्टर की है जो नियमित रूप से हर परीक्षा शुरू होने से पहले जांच करती है कि सेम कैंडिडेट, सेम लाभार्थी एग्जाम देने के लिए आया है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी निर्देश आपको परीक्षा की शुरुआत में दिए जा रहे हैं कि आप कैंडिडेट की फोटो आपकी ठीक नहीं आ रही है, सुनिश्चित करें कि एग्जाम सेंटर में लाइट ठीक से हो ताकि आप कैंडिडेट का चेहरा कैमरे पे ठीक से आ सके, फोटोग्राफ ठीक से खींची जा रही हो, अच्छे रेजोल्यूशन का आपको वेबकैम का इस्तेमाल करना है ताकि कैंडिडेट की प्रतिक्रियाएं हमें कैमरे में जो नजर आते रहे ताकि ठीक से काम होता रहे। उसके बाद एग्जाम के दौरान, एग्जाम वाले दिन कैंडिडेट का अपने पास आईडी प्रूफ रखना बहुत अनिवार्य है। तो लिस्ट जो सूची हमने कैंडिडेट की आपको बताई है जिनमें बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि दिए गए हैं, उन सभी की आपको सुनिश्चित करें कि आप पहले से अपने लाभार्थियों को बताएं कि परीक्षा के दौरान इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में जो आप एग्जाम सिस्टम, जिन कंप्यूटर्स या लैपटॉप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जाम के दौरान, उनमें वेब कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइस और अपडेटेड जावा, ये बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके हर एक प्रत्येक कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि जैसे हमने बताया कि बिजली अगर चली गई है तो उस दिन एग्जाम ना करवाएं, या बिजली की कमी के कारण एग्जाम उस दिन एग्जाम ना कराएं। आपके सेंटर में बल्ब लाइट का सुनिश्चित आप ध्यान रखें कि आपके यहाँ रोशनी का काफी खास उजाला हो और कैंडिडेट की शक्ल आपको देख सके। कंप्यूटर स्क्रीन से कैंडिडेट की दूरी कम से कम 1.5 मीटर हो ताकि हम देख सके कि कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है और वही कैंडिडेट एग्जाम परीक्षा में आया है कि नहीं। और कैंडिडेट जो भी अगर परीक्षा रोक दी गई है, कभी कभार हमारे प्रॉक्टर ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैंडिडेट ठीक से एग्जाम दे रहा है कि नहीं, उसे कोई परेशानी तो नहीं। तो अगर आपको जो निर्देश प्रॉक्टर दे रहा है कि दाएं देखिए, बाएं देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन घुमाए, तो इन सभी निर्देशों का पालन करें। और परीक्षा में कभी भी, किसी भी परीक्षा के दौरान किसी भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। प्रॉक्टर ऑथराइजर्स के लिए वो आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं और जो भी वो निर्देश दे रहे हैं उनको आप ठीक से पालन करें। एग्जाम के दौरान क्या नहीं करें, ये एक खास निर्देश हम अपने उन वीएलईज को देना चाहते हैं जिनके सेंटर्स इस वजह से बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके सेंटर पे चीटिंग, मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड जैसी एक्टिविटी पाई जाती है। ये देखा जाता है कि कैंडिडेट को बिठा के कोई एग्जामिनेशन गलत तरीके से किया जाता है और इसमें सेंटर ऑपरेटर भी उतनी तरह लिप्त है जितनी तरीके से इन्विजिलेटर और बाकी लोग। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके सेंटर में होने वाली कोई भी गलत काम के लिए सेंटर व्हीलिंग जिम्मेदार माना जाएगा, आपके नाम पे कंप्लेन की जाएगी और हो भी सकता है कि आपके नाम पे आपकी सीएससी आईडी को बंद भी किया जाए।
तो क्या कार्य ना करें जिस वजह से आपकी पीएमजी दिशा आईडी चलती रहे, समय समय पे आपको पीएमजी दिशा का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में मिलते रहे, इसके लिए क्या ना करें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के दौरान वेबकैम के अलावा, वेबकैम कीबोर्ड और डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस के अलावा कोई अन्य डिवाइस, कोई पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर सिस्टम से लगी ना हो। आपको इस बात की सुनिश्चित करना है कैंडिडेट के पास कोई भी टेक्स्ट मटेरियल, प्रिंट किया हुआ कोई भी मटेरियल जिसमें आंसर्स हो, आप किसी भी तरह की मदद करने की कोशिश ना करें। रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर पे कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ना हो जो इस वक्त कैंडिडेट को एग्जाम के दौरान मदद कर सकता है या फिर गलत तरीके से आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी वेबसाइट, एक परीक्षा की वेबसाइट के अलावा कोई और वेबसाइट आपके सिस्टम पे ना खुली हो। अगर ये सब कार्य में आप लिप्त पाए जाते हैं तो आपकी पीएमजी दिशा आईडी बंद करा दी जाएगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि परीक्षा समाप्त होने से पहले, यानी सारे प्रश्नों के जवाब दिए बिना कैंडिडेट सबमिट बटन पे क्लिक ना करें। परीक्षा के दौरान पूरे समय कैंडिडेट का चेहरा उसके कैमरे में साफ नजर आना चाहिए। जैसे आप अभी मेरा चेहरा इस वक्त साफ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठी हुई हूँ, मैं कैमरे को देख रही हूँ और स्क्रीन मेरे सामने है। उसी तरीके से आपको अपने कैंडिडेट को कैमरा के सामने बैठा के उसकी परीक्षा करवानी चाहिए। कैमरे की दिशा कैंडिडेट के चेहरे और उसके तरफ होनी चाहिए, ना कि इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी आप कैमरा लगाए, ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जा सके कि आपके सेंटर पे जो कैंडिडेट परीक्षा दे रहा हो ठीक तरीके से दे रहा हो। एक और चीज आपको यहाँ पे खास ध्यान रखनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ के ना चले जाए। ऐसे कैंडिडेट्स को हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और उसे ऑटोमेटिकली फेल कर लेता है। तो अगर आपको इस बात का ध्यान रखें कि आप कैंडिडेट को ठीक से ट्रेन करें कि परीक्षा के दौरान अपनी सीट नहीं छोड़नी है, कंप्यूटर स्क्रीन से इधर उधर नहीं देखना है। और खास बात यहाँ पे, अगर आपका सेंटर इम्पर्सिनेशन यानी सेंटर के एग्जाम के दौरान चीटिंग करते वक्त लिप्त पाया जाता है, तो हम आपकी आईडी को उसी वक्त ही ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं। आपको परीक्षा के दौरान कैंडिडेट से फोन पे बात नहीं करनी है, किसी भी तरह का संपर्क उससे नहीं करना है, ना इन्विजिलेटर को ना ट्रेनिंग सेंटर को। कैंडिडेट की ट्रेनिंग आप इस तरीके से करें कि जब वो परीक्षा के लिए बैठे तो उसको अपने सारे सवालों के जवाब आते हो, वो सहज महसूस करे सारे सवालों का जवाब देने में। इसके लिए हमने कुछ असेसमेंट्स प्रिपेयर करे हैं ताकि आपका कैंडिडेट, आपका लाभार्थी बिल्कुल सहजता से पीएमजी दिशा एग्जाम दे सके। उसके लिए कुछ असेसमेंट्स उसके डैशबोर्ड में उपलब्ध है, जहां पे आप उनकी कई बार, कितनी भी बार उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वहां पे प्रयास करवा सकते हैं। अगर आपके सेंटर का कैंडिडेट, आपके सेंटर का लाभार्थी पास होता है तो ये आप ही को फायदा है। उसके ब्लैकलिस्ट होने पे आपकी पूरी मेहनत, जो उसने आपने उसको रजिस्ट्रेशन से लेके पढ़ाने तक की मेहनत करी है, वो बेकार हो जाती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि पीएमजी दिशा में किसी भी तरह का गलत काम आप ना करें। हमारी नजर आप पे है, हम आपके साथ भी दे रहे हैं और हम हर कैंडिडेट पे नजर भी है कि कैंडिडेट कैसे, लाभार्थी किस प्रकार परीक्षा में एग्जाम दे रहा है। तो इस योजना में हमें आपकी मदद की जरूरत है, जो इतने सालों से आप हमें देते आए हैं, और ये उम्मीद भी करते हैं कि जब तक ये योजना चल रही है तब तक ये साथ आपका हमेशा हमारे साथ मिलता रहेगा, हमें चलता रहेगा। और जिस तरीके से हम 6 करोड़ का टारगेट लेके चल पड़े हैं, 6 करोड़ लाभार्थियों को देश भर में हमें ट्रेन करना है, उसमें आपकी हमें संपूर्ण योगदान मिलता रहेगा। हम बहुत आभारी हैं उन सभी वीएलईज का जिन्होंने इस योजना को इतना सफल बनाया, लेकिन हम कुछ शिकायतें हैं उन वेलीज से भी जो इस योजना में गलत काम करके उन वेलीज की मेहनत को खराब कर रहे हैं जो साफ मन से पीएमजी दिशा कर रहे हैं। तो हम ऐसे वेलीज को निरंतर सिस्टम से निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं, और ये भी कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे वेलीज को सिस्टम पे ना आ पाए जो किसी भी तरीके का गलत योजना के साथ, गलत संदेश के साथ इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। एक खास बात हम उन वेलीज को बता दें कि अब से पीएमजी दिशा वेरिफिकेशन में कुछ हमने बदलाव किए हैं। आपकी सीएससी आईडी 3 महीने तक एक्टिव होनी चाहिए, यानी 3 महीने, पिछले 3 महीनों में उसमें किसी ना किसी तरह का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सीएससी में काफी सर्विसेज हैं, उन किसी भी सर्विसेज में आप 3 महीने में 50 से ज्यादा
ट्रांजेक्शन करने होनी चाहिए, आपकी इन्हीं ट्रांजेक्शन को देख के आपको पीएमजी दिशा में अप्रूव किया जाएगा। तो जो भी पीएमजी दिशा में काम करना चाहते हैं लेकिन शिकायत करते हैं कि उनकी पीएमजी दिशा आईडी अप्रूव नहीं हो रही, तो आप एक खास बात ध्यान रखिए कि आपकी सीएससी आईडी ट्रांजेक्टेड होनी चाहिए, लगातार एक्टिव होनी चाहिए पोर्टल पे, और एक आप एक कार्यरत मेली हो। अगर आपकी सीएससी आईडी एक्टिव होगी तभी आपकी पीएमजी दिशा आईडी को एक्टिवेट यानी मान्य करार दिया जाएगा। इस यकीन के साथ कि आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, जो सवाल आपके मन में, जो नए वेलीज हमारे 2017 में हमारी योजना में इस दौरान जुड़े हैं, आपके जो सवाल रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपको जवाब दे दिया जाएगा। विल ट्राई टू हैव दिस सेशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आई विल रिक्वेस्ट आवर स्टेट टीम टू हैव दिस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट आवर वेलीज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी कैन ऑल्सो इंश्योर दैट वी आर हैविंग अ स्मूथ प्रोजेक्ट, दे आर रनिंग अ स्मूथ पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट एट देयर सेंटर, एंड नो काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस और अनफेयर एग्जामिनेशन और अनफेयर मीन्स आर बीइंग यूज्ड एट देयर सेंटर्स। तो इस उम्मीद के साथ कि हम पीएमजी दिशा को एक सफल योजना, एक सफल प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप सबसे यही इजाजत लेते हैं। नमस्कार।